कंधे पर मेरी कला देखी, पसंद आई ना? यू मुंह लटकाए खाए बैठी हो, हंस नहीं सकती? बाप रे बाप, ए तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ ये है ना सही सवाल, मेरा नाम शिवा है, अम्बोली गांव से आया हूँ। तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के क्या लड़की है, इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका, अब बोल कौन है तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो जल पर चल के केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। भाई तो मैं शिव ही तो हूँ। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंधार, ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं, तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का, मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं।
मेरा झरने के पास गिर गया था, मतलब तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके आए मेरे लिए। इसके पीछे जो मुस्कान है वही देखने तो आया था इतनी दूर से, लेकिन अब तक दिखी नहीं। न भूतो न भविष्यति। 50 गज ऊंची स्वर्ण प्रतिमा, देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसकी प्रतिष्ठा होते ही आपके पुत्र महाराज भल्लाल देव की कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ प्रभु, सब पूरी हुई। स्थापना समारोह अद्भुत होगा, समस्त ब्रह्मांड करतल ध्वनि से गूंज उठेगा प्रभु। Thank you.